नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कुछ और स्टॉक्स के ऊपर आज बात करते हैं और समझते हैं कि अब इनमें क्या एक्शन लेना चाहिए अपने को। और एक्शन लेने के लिए इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कई लोगों से मेरे पिछले एक दो दिन का वीडियो मिस हुआ होगा, अगर मिस हुआ है या फिर आपने एंट्री नहीं लिया है, क्योंकि स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर्स इंडिया का, इसके साथ एक दो स्टॉक्स और शेयर करूंगा। बहुत ही परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न जैसा सेटअप बना हुआ है, रीटेस्ट में है। ओके, तो इनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इंजीनियर्स इंडिया से। देखिए आज इसमें लगभग 9% का मूवमेंट आया था, हालांकि 8% के आसपास सेटल हुआ है। ओके, और बहुत ही शानदार कैंडल बना है, अगर एक कैंडल को आप देखेंगे वीकली में तो। और जब ये कैंडल बना था, आई थिंक मैंने इस दिन वीडियो बनाया था जब ये बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया था, तब कि अब इस स्टॉक्स में रिवर्सल आना चाहिए क्योंकि परफेक्ट रीटेस्ट के लेवल पे आ गया है। तो आप देखेंगे यहां से बहुत अच्छा लगभग लगभग इसमें 10% का मूवमेंट आया होगा। ठीक है, अगर आप देखें बॉटम से जिस दिन मैंने बात किया है उस दिन से इसमें 10% से 10% के आसपास का मूवमेंट आया है। ओके, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया दो तीन दिन में, कई लोग यहां से भाग जाएंगे, इसलिए मैं बात कर रहा हूं एक्शन क्या लेना है। भागना नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस ही हमारा 20% रहता है, टारगेट कम से कम आपको इसमें 30% 40%, और मैं आप जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं नेक्स्ट। ठीक है कि 100% से नीचे तो सोचना मत, हालांकि अभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है मुझ में भी और आप में भी कि यार चलो सर ने दो दिन पहले बताया आज इसमें 10% का मूवमेंट आ गया, कल इसमें 10% का और मूवमेंट आ सकता है, ऐसा नहीं सोचना। वक्त लगेगा चलने के लिए क्योंकि जिस जगह पे स्टॉक्स खड़ा है ना, ये जगह कंसोलिडेशन वाला है, लेकिन बॉटम से बाई किए हो, ठीक है, बॉटम से बाई किए इसलिए डरने का नहीं है, ठीक है, होल्ड करने का है। जिस दिन ये स्टॉक इस प्राइस के ऊपर निकल जाएगा, मतलब जब ये 270 के रेंज के ऊपर निकल जाएगा पॉजिटिव कैंडल के साथ, ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ होगा, शुरुआत इसी लो के आसपास से होगा जहां से आपने एंट्री लिया होगा, 210 211 के रेंज में आपने एंट्री लिया होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा भी 211 212 के आसपास का ही भाव है, ठीक है, मतलब एंट्री लेवल है। तो बॉटम में लिए हो ज्यादा फियर की बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम रिटर्न मिल सकता है, थोड़ा वक्त लगा सकता है, लेकिन जिस दिन इसके ऊपर निकल जाएगा ओ माय गॉड, ऐसा चलेगा जैसे कि बस, मतलब है ना, बकरे के पीछे शेर लगा दो तो बकरा जिस गति से भागेगा ना उसी गति से भागेगा, बहुत फास्ट मूवमेंट कर सकता है ये। ओके, तो इसलिए ऐसे ब्रेकआउट वाले स्टॉक या टॉप में कंसोलिडेट करने वाले स्टॉक्स को वॉच करते रहना चाहिए, जब भी उसमें एंट्री लेवल आए, अपने लेवल में मिले एंट्री, ठीक है, उसमें घुस जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्शन लेने का है, मतलब अभी भागना नहीं है। ओके, चलिए, तो चलिए और कुछ स्टॉक शेयर करता हूँ, मैंने और भी स्टॉक निकाले हुए हैं, मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ क्योंकि ये पॉइंट बोलना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बजाज फिनसर्व, ठीक है, देखिए इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है। बजाज फिनसर्व भी मैंने आप लोगों को शेयर किया, ओके, 1700 के आसपास से आपका एंट्री होगा। इसी तरीके से मैंने आपको शेयर किया है बजाज फाइनेंस, और दो तीन दिन से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि अभी इस लेवल के नीचे नहीं जा रहे, मतलब 72 के बिलो नहीं जा रहा है, इसको बाई करना चाहिए। ठीक है, आज बहुत अच्छा कैंडल में क्लोजिंग दिया है, दो दिन से बहुत अच्छा कैंडल में क्लोजिंग दे रहा है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी निकलेगा, तो एक तरीके से ना एक बॉक्स बना लिया है, इतना मूवमेंट इधर आना चाहिए। तो मेरा भाव है 7800 मिनिमम, इसके बाद 8000 का भाव दिखा सकता है और इसी मंथ में दिखाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्प्रेड बनाना चाहिए था, अब स्प्रेड बनाओगे तो मुश्किल है, स्प्रेड इसमें बनाना चाहिए था कल, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, या आज भी लोअर लेवल में बनाए होंगे तो ठीक है, अभी इसके ऊपर हो सकता है स्लो चले जाए, ठीक है, तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन जितने लोग एक दिन पहले बनाए होंगे या 7200 के लेवल से बनाए होंगे, क्योंकि जब ब्रेकआउट किया तभी मैं बताया था कि इसमें स्प्रेड बनाना जब नीचे आएगा तब, ठीक है, अगर आपने यहां पर वीडियो नहीं देखा होगा तो देखिएगा। ओके, क्योंकि बॉटम से देखो, जब यहां से बहुत फास्ट मूवमेंट आया ना, तो मैं आपको बताया था कि देखो इसमें लगभग 12-13-14% का मूवमेंट आ गया है, ठीक है, तो अभी रुकेगा, बस वही कारण है कि रुका, अब जब नीचे आ गया, अब दिख रहा है ना कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अगर आप फिबोनाची लेवल में भी लगाओगे तो 23% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप देखो यहां से, ये देखो 23% का फिबोनाची लेवल में भी इतना रिट्रेसमेंट बहुत है, ये स्ट्रेंथफुल रिट्रेसमेंट कहलाता है 23, इसके बाद गुड रिट्रेसमेंट कहलाता है 38, ठीक है, फिर 60 के बिलो तो फिर खत्म हो जाता है इसका मूवमेंट। तो अभी आप देखेंगे कि अच्छा रिट्रेसमेंट लिया है, बहुत स्ट्रेंथ है इसमें, तो आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और इसके पीछे की स्टोरी में क्या बोलना चाह रहा था आप लोगों को कि रिटेल निवेशक ना धुआं उड़ा दिए हैं, धुआं कहना चाहिए, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, और रिटेल निवेशकों की जय करना चाहिए सब लोगों को। देखिए मजेदार बात क्या है, इसने 6500 करोड़ समथिंग ना का आईपीओ लाया, और रिटेल निवेशकों ने कितना बीट लगाया पता है, कमेंट करके बताओ, हाईएस्ट भाई साहब रिकॉर्ड तोड़,
क्या कहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ धुआं उड़ा दिए हैं, ठीक है। 4 लाख करोड़ की बिड लगा है, रिटेल निवेशकों का तो पैसा कितना है पता है, 4 लाख करोड़। कई छोटे छोटे देश ना रिटेल निवेशक खरीद सकते हैं, आप समझ सकते हो क्या पावर है। इसलिए बाजार ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, अगेन आज ऑल टाइम हाई बनाया बाजार। लास्ट में क्या शार्प रिकवरी आया है, शॉर्ट कवरिंग आया है। शॉर्ट कवरिंग जितने लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि जब ऑप्शन सेलर अब जब अपना पोजिशन कट करना शुरू करता है ना, तो इस गति से स्पीड स्पीड से उनका पोजिशन कट होता है, और उस कंडीशन में मतलब औने पौने भाव में उनका सेलिंग जो ऑप्शन सेल किए रहते हैं वो निकलता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस होती है, ठीक है। इसलिए शॉर्ट कवरिंग आता है क्योंकि वो तेज गति से अपना पोजिशन स्क्वायर अप करते हैं और धड़ाधड़ 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 करके मार्केट में बाइंग आता है। ओके, तो एल्गो ट्रेडिंग मारते हैं सब लोग, राइट, बड़े बड़े लोग, तो इस वजह से उस समय मूवमेंट बहुत फास्ट आता है। तो आज बाजार ने इस वजह से ऑल टाइम हाई बनाया है, और अब मार्केट भी वॉच करता है ना यार कि पैसा कितना है लोगों के पास, ठीक है। अभी जैसे एक और है पीएनजी ये भी गोल्ड ज्वेलरी वाली कंपनी है, इसका भी बहुत अच्छा बीट आया है। ओके, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का बीट रिकॉर्ड तोड़ है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी की आईपीओ में लोगों ने पैसा लगाया था। तो रिटेल निवेश के पास पैसा बहुत है, कौन कहता है यार इंडिया गरीब है, रिटेल निवेश को जाके पूछो, 4 लाख करोड़ का बिड लगा दिए आईपीओ में, ओ माय गॉड। चलो ठीक है, चलिए तो ये तो थोड़ी मजाक की बातें हो गई, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मैं एक दो स्टॉक आपको शेयर करता हूँ कल के लिए, या आप चाहें तो उनको अभी स्विंग में पोजिशन और बना सकते हैं। एडवांस एंजाइम तो हम बात कर लिए हैं, ठीक है, एक दो दिन पहले भी क्या शानदार मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, बस इसी तरीके से मूवमेंट करते जा मेरे भाई। चलिए एक स्टॉक और शेयर करता हूँ फ्रेंड्स, नाम है इसका कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। ओके, और देखिए ये भी बढ़िया डब्लू पैटर्न में है, और जैसा मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ कि न्यूली लिस्टेड स्टॉक, ठीक, न्यूली लिस्टेड स्टॉक या तो वो इनसाइड पैटर्न बन जाए, इस टाइप का ब्रेकआउट मिल जाए, लेकिन हुआ नहीं। इसके बाद क्या गिरा नीचे, देखो न्यूली लिस्टेड स्टॉक का इनसाइड पैटर्न सबसे बेस्ट पैटर्न में से एक होता है, अगर ये नहीं मिला तो फिर इंतजार करो, ये डब्लू पैटर्न बनता है, ठीक है, फिर ये डब्लू पैटर्न बनता है। ओके, तो आप देखेंगे कि यहां से देखो नीचे आया, इनसाइड पैटर्न बन रहा था, ब्रेकआउट नहीं किया, फिर इनसाइड बना नहीं, यहां भी इनसाइड बन रहा था लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, फिर आप देखो यहां इनसाइड बन रहा था, ब्रेकआउट नहीं किया, यहां पर क्या बना, एक इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, फिर यहां भी इनसाइड लेकिन परफेक्ट नहीं है। ओके, अब देखो तो नहीं बना, फाइनली क्या बना, ये भाई साहब ने बना दिया है, इसको हम लोग डब्लू कंसीडर करेंगे, ठीक है। डब्लू आज मैंने इसको बाई किया है, जितने लोग मेरे साथ लाइव में थे उन लोगों को भी मैंने बताया कि इसको बाई करिए, 781 के आसपास ही बाई है, जहां पर क्लोजिंग दिया है, परफेक्ट भाव है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही पहले तो ऑल टाइम हाई जाएगा 1100, पहले 1100 का भाव लगाएगा, इसके बाद देखेंगे किस तरीके से मूवमेंट आता है, लेकिन पहले 1100 सिंपल स्टॉप लॉस आपके दिमाग में आएगा 20%, ठीक है, ये 20% का स्टॉप लॉस हमारा। तो देखो 20% का स्टॉप लॉस लेके अगर आप यहां से एंट्री लेते हैं तो टारगेट आपका क्या मिलेगा, आपको लगेगा 40%, जी हाँ 1:2 ही है, लेकिन ऊपर के साइड ना संभावनाएं अनंत है भाई साहब, क्योंकि ऑल टाइम हाई है न्यूली लिस्टेड स्टॉक, फिर इसके अपर साइड में रेजिस्टेंस ओपन, मतलब हाई ही नहीं है, फिर वो फिर खुला हो जाएगा, खत्म, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो मूवमेंट बहुत बड़ा आ सकता है, लेकिन कम से कम ऑल टाइम हाई तक तो मूवमेंट दे ही देगा। तो 20% का स्टॉप लॉस और अपने टारगेट के लिए होल्ड करो, ठीक है। तो इस टाइप का सेटअप बना हुआ है, आज जब ब्रेकआउट कर रहा था, ठीक है, मैं इवनिंग में ही देखा इसको, और चूंकि मैं अलर्ट डाल के रखे रहता हूँ तो मैं आके यहाँ चेक करता हूँ, देखिए एक बार मॉर्निंग में आया था, फिर नीचे आ गया, इसके बाद दोबारा मेरे अलर्ट में आया, तो फिर मैंने दोबारा इसको एंट्री लिया हुआ है, अच्छे भाव में, मुझे लगता है लेना चाहिए। आज मैं शेयर नहीं कर पाया आप लोगों को, या मैंने किया होगा तो टेलीग्राम चैनल में याद नहीं, आई थिंक मैंने नहीं किया है आज, आज मैंने एक ही मैसेज शेयर किया था आप लोगों को, ठीक है, बजाज फिनसर्व का, मैंने ज्यादा शेयर नहीं कर पाया आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस स्टॉक्स को फ्रेंड्स कल भी एंट्री लिया जा सकता है, अभी इसमें एक दो दिन अंदर एंट्री लिया जा सकता है, ठीक है, 20% का स्टॉप रहेगा और ऑल टाइम हाई का मिनिमम टारगेट रहेगा, इसके बाद देखेंगे कितना ऊपर मूवमेंट करेगा, ठीक है। चलिए तो एक स्टॉक से हो गया फ्रेंड्स, एक स्टॉक्स और भी आपको शेयर करता हूं, ऐसा लग रहा है ना कि एकदम परफेक्ट डब्लू बना हुआ है, ये तो थोड़ा सा, चलो फर्स्ट लेग इसका बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट लेग इसका थोड़ा बड़ा है, कई लोग कमेंट भी करेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया डब्लू नहीं दिख रहा है, डजेंट मैटर, मैटर ये है कि इसका ब्रेकआउट आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, अच्छे कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, हाँ अच्छे कैंडल के साथ क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, तो इसमें एंट्री लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए, स्टॉप लॉस 20% है, एंट्री कहाँ लेना चाहिए, करेंट भाव में एंट्री लेना चाहिए, टारगेट क्या है, ये आपका ऑल टाइम है, सिंपल 3-4 पॉइंट ध्यान रखो, एंट्री
एग्जिट मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट तो आप बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, टारगेट थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। तो ये तीन चार पॉइंट आप ध्यान रखिए, बस एंट्री लेना है नहीं लेना है ये आप तय करो। चलिए एक स्टॉक और शेयर करता हूं, बहुत ही मजेदार चार्ट है, लेकिन ये चार्ट है डेली पैटर्न में। इसको ना 5-10% का स्टॉप लॉस लगा के ऑल टाइम हाई के लिए ट्रेड लेना चाहिए। नाम है थर्मेक्स लिमिटेड, ठीक है, इसको भी मैंने आज लाइव में शेयर किया है। देखिए जब मैं लाइव की बात करता हूं तो आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, पहले मैं ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड करता, आज भी मैं करता हूं 9:30 का ऑप्शन में ट्रेड, ठीक है। जितने लोगों को भी ज्वाइन होना है आप ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन इक्विटी में ज्यादा फोकस रहता है। ज्वाइन होने का सिंपल ऑप्शन है, जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप लाइव आ जाइए, ठीक है। बट इक्विटी में ज्यादा फोकस है और 9:30 का स्टडल में, अब 9:30 के स्टडल में ठीक चल रहा है, बैंक निफ्टी में करता हूँ और बहुत पीसफुल ट्रेडिंग चल रहा है, ठीक है, अच्छा है। ये कि ज्यादा प्रॉफिट नहीं है लेकिन हाँ लॉस नहीं है, अच्छा है, क्योंकि 2-3 क्वांटिटी में कर रहे हैं, ठीक है। और एक एल्गो लगा दिया हूँ, तो एल्गो का परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा नहीं है, ठीक है, शेयर करूंगा मंथ एंड में, डोंट वरी, राइट। चलिए मैं, क्योंकि मैंने इसी मंथ से शुरू किया हुआ है, तो फ्रेंड्स देखिए ना ये मतलब डेली चार्ट में बहुत ही बढ़िया डब्ल्यू है, मैं कहूँ इसको लेना ही चाहिए, ठीक है, और इसलिए लेना चाहिए, भले आप एक क्वांटिटी मिलो, देखिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन लर्निंग के लिए एक क्वांटिटी मिलो कि डब्ल्यू कितना अच्छा काम करता है कि नहीं करता है, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल दो, ये लगभग 10% का बनता है। और टारगेट डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट रिवर्सल सेटअप है, ठीक है, तो ये टारगेट रहेगा आपका यहां तक, मतलब 5800 तक का टारगेट, 5800 तक का टारगेट, ठीक है, 4640 में मिल रहा है अभी, हो सकता है कल थोड़ा बहुत ऊपर मिल जाए, लेकिन चलेगा, हाँ 2-3-4% ऊपर मत खरीदना, इसी भाव के आसपास खरीदना, 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है, और 4225 के आपका एसएल रहेगा, बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊं आप लोगों को, तो स्टॉप लॉस कितना लगेगा भाई साहब, स्टॉप लॉस लगेगा यहां से अगर स्टॉप लॉस ले लेते हैं तो 9% का समथिंग स्टॉप लॉस और 25% का आपका टारगेट। तो इसको अब देखिए, चूंकि बहुत टॉप में है, ठीक है, बहुत टॉप में है, तो मैं जनरली इस टाइप के स्टॉक्स को बहुत एग्रेसिव नहीं बाई करता हूं मैं, लेकिन सेटअप अच्छा बना हुआ है तो मैं कहूंगा कि स्विंग के लिए ट्रेड लेना, बहुत लंबे समय के लिए ट्रेड नहीं है, मतलब 5800 जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे, ठीक है, 1:2 का टारगेट आपको इसमें मिल जाना चाहिए। चलिए एक स्टॉक्स और शेयर करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन है, देखिए इसके ऊपर अभी बीट चल रही है बहुत सारे, है ना, अल्ट्राटेक इसको खरीदना चाह रहा है और इस वजह से टॉप में रुका हुआ है, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर किसी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा तो जरूर मुझे शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए जैसा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेशन ना एक ही दिन जंप कराएगा 20-25-50% तो नहीं जा सकता, ठीक है, कैश का स्टॉक है तो 20% भागेगा, ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप का फ्यूचर के स्टॉक्स होता, ऑप्शन फ्यूचर के स्टॉक्स होता ना, एफएनडो के स्टॉक, तो 20-50% भागता, मैं इस टाइप के इसको उम्मीद करता हूं। तो कम से कम इसमें जिस दिन ब्रेकआउट करेगा ये अपर सर्किट में रहेगा, जिस दिन ब्रेकआउट करेगा तो आप ध्यान रखना इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, चूंकि मैंने इसको इसी भाव में लिया है, 363-364 के प्राइस में ही मैंने एंट्री किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जब से लिया है 2 महीना से इसी जगह में घूम रहा है, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ मुझे लग रहा है कि अभी बीडिंग चल रही होगी, कुछ बातें चल रही होगी, ठीक है, मैनेजमेंट लेवल पे क्या हो रहा है मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है न्यूज का, लेकिन जिस तरीके का ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है निकलेगा, और कुछ हो तो आप मुझे जरूर बताना, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये है फ्रेंड्स आज के लिए मैंने जो स्टॉक शेयर किए, अभी स्टॉक्स और भी बहुत सारे हैं, चलिए उनको कल मैं शेयर करूंगा, 1-2 दिन में शेयर करूंगा आप लोगों को, जब भी अच्छा लगेगा, मतलब कि अब शेयर करना चाहिए, अब परफेक्ट भाव में आया है तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। स्टॉक्स बहुत सारे निकल रहे हैं, कई बार तो पैसे ही खत्म हो जाता है यार, मेरे पास खुद खत्म हो जाता है, कहां से पैसा लाए, ठीक है, इतने सारे स्टॉक्स निकलते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा बाई करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये रहा फ्रेंड्स आज के वीडियो में मेरी स्टॉक्स और मेरा व्यू, मेरी लेवल्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको लर्निंग मिला होगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो से सीखते हैं, मेरे वीडियो से आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए इंकरेज करना, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक भी कीजिएगा, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।